अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 इन दिनों सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है। इसी बीच सुनने में ये आया है कि बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने इस फिल्म को देख ली है और कमेटी ने फिल्म पर 20 कट लगाने के साथ ही इसे ए सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है। हालांकि अभी इस मामले में प्रोड्यूसर्स को कारण बताओ नोटिस भी भेजा जाएगा। रिपोर्ट्स में ये कहा भी गया है कि इस स्क्रीनिंग में बोर्ड के चेयरपर्सन प्रसून जोशी भी मौजूद थे। वहीं जब फिल्म की मेकिंग टीम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। टीम का कहना है कि रिवाइजिंग कमेटी ने अभी तक फिल्म को देखा ही नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। ऐसे में फिल्म अभी किस स्थिति में है ये अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल है। हैरानी की बात यह है कि फिल्म की रिलीज में मात्र 16 दिन बचे हैं। ऐसे में अभी तक इसे बोर्ड से क्लियरेंस नहीं मिला है। ऐसे में इस कंट्रोवर्सी के चलते फिल्म के प्रमोशनल कैंपेन पर काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। वही जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि OMG 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। हाल ही में फिल्म का गाना भी रिलीज हुआ था जिसमें इसकी रिलीज डेट का जिक्र नहीं किया गया है। वही फिल्म सेक्स एजुकेशन जैसे बोल्ड सब्जेक्ट पर बेस्ड है। ऐसे में सेंसर बोर्ड ने OMG 2 को रिव्यू कमेटी के पास भेजा है। रिव्यू कमेटी का जवाब आने के बाद सेंसर बोर्ड फिल्म का भविष्य तय करेगा। वही आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।